So yeah, let's talk about transmission media. ट्रांसमिशन मीडिया, मैं कोई ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ कि भाई इंग्लिश विंग्लिश अपन यहाँ बोल रहे हैं, नहीं, अपन बहुत सरल भाषा में बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। मान लो कि तुम दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो, एक शायद ये कंप्यूटर हो गया और एक और कोई डिवाइस हो गया। अब तुम वो डाटा कम्युनिकेशन कैसे करवाने वाले हो? या तो इन दो डिवाइसेस के बीच में तुम वायर लगा दोगे जिससे तुम्हारा कम्युनिकेशन हो जाएगा, या फिर तुम वायरलेस को यूज करोगे। बस वही है कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडिया, इस चीज को अपन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक था वायर, एक था अनवायर वायरलेस। सो यार, अगर तुम जो है तुम्हारे मीडियम को वायर बना रहे हो तो तुम उसको बोल दो गाइडेड मीडिया, और अगर तुम्हारा जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो बिना वायर बना हुआ है, लेस होने वाला है, तो तुम उसको बोल दोगे अनगाइडेड मीडिया। तो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है गाइडेड, एक हो सकता है अनगाइडेड। ठीक है, गाइडेड मीडिया को तुम बाउंडेड भी बोल सकते हो और इसको अनबाउंडेड भी बोल सकते हो, वायर्ड बोल सकते हो, वायरलेस बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या आने वाली है यार, तुम तार लगाओगे, तार कौन कौन से लगाओगे इसके अंदर? बड़ी देशी भाषा में बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तुम तार लगाओगे, तार कौन कौन से लगाओगे? तीन तरीके के वायर तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। नंबर वन, ट्विस्टेड पेयर केबल। नंबर सेकंड, फाइबर ऑप्टिक। एंड नंबर थर्ड, कोएक्सियल केबल। अब मैं बात करता हूँ वायरलेस के बारे में। तुम या तो माइक्रोवेव को यूज करोगे, या फिर तुम इंफ्रारेड को यूज करोगे, या फिर तुम रेडियो वेव्स को यूज करोगे। अपन हर एक के डेप्थ में जाते हैं थोड़ा बहुत। ट्रांसमिशन मीडियम गाइडेड के अंदर ट्विस्टेड पेयर, ये दो तरीके का हो सकता है, या तो शील्ड डिस्ट्रेड पेयर हो सकता है या फिर अनशील्ड डिस्ट्रेड पेयर हो सकता है। इसके अंदर कुछ नहीं होता है स्पेसिफिकली, मतलब तार होते हैं ये, दो कॉपर के वायर होंगे जो एक दूसरे में ट्विस्टेड होंगे, जिनको एक वायर बना दिया जाएगा। वो ट्विस्टेड इसलिए करेगा ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तुम्हारे प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, उससे वो बचे रह सकें, इसलिए उनको जो है ट्विस्ट कर दिया जाता है एक दूसरे के ऊपर ऐसा साथ में। और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? अनशील्ड का, तुम छोटा सा कोई लैन वगैरह बना रहे हो लोकल एरिया कंप्यूटर, मान लो तुम इस डिवाइस से इसे एक और डिवाइस में कनेक्ट करो, तो तुम वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर का यूज़ कर सकते हो। सस्ता बहुत पड़ेगा, ट्रांसमिशन फास्ट हो जाएगा तुम्हारा, कि गाइडेड ऐसी सीधा ट्रांसमिशन फास्ट हो जाएगा, सस्ता बहुत पड़ेगा, मैनेज करना आसान है जब तुम्हारा नेटवर्क छोटा सा है तब। अब अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, यार जब तुम एक वायर लगाने वाले हो, कनेक्शन करने वाले हो ऐसी जगह पे जहाँ पे और खूब सारे वायर्स जाएंगे, तो हो सकता है यार तुम्हारा वायर यहाँ से जा रहा है एक, और इंटरनेट का वायर, और उसी के पास में कोई बिजली का तार भी जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, शील्ड डिस्ट्रिक्ट पेयर लगा दोगे। उसमें वही होंगे नॉर्मल वायर्स, मगर उनके ऊपर एक एल्यूमिनियम का कोटिंग होगा, कोटिंग या फॉइल लगा होगा, जिससे वो और इंटरफेरेंस से बच जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट, जो शील्ड होगा महंगा होगा, ये नॉर्मल वाला सस्ता मिलेगा आपको, अनशील्ड सस्ता मिलेगा, पर परफॉर्मेंस आपको शील्ड में ज़्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नॉइस कम मिलेगी आपको इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं कोएक्सियल केबल। इस तार को अपन ने बहुत जगह देखा हुआ है, जैसे अपन टीवी देखते हैं ना, तो टीवी के लिए जो वायर लगता है वो लगता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कोएक्सियल केबल एक रबर का या फिर आई वुड से प्लास्टिक या फिर टेफ्लॉन का कोटिंग होगा, फिर उसके बाद एक जैकेट होगी और पैरेलली कंडक्टर्स होंगे उसके अंदर, एक मेटल का वायर होगा बीच में, उसके ऊपर एक और कंडक्टर होगा, और जो आप जैसे वायर खोलोगे तो एक और एक लोहे की फॉइल की शीट होगी। उसका यही काम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंसेस को कम करे और कॉपर वायर जो आपका ट्रांसमिशन करे, दो पैरेलल जो है कंडक्टर्स में लगे हुए होंगे। फाइबर ऑप्टिक, थर्ड टाइप ऑफ गाइडेड मीडियम। फाइबर ऑप्टिक का क्या सीन है ना बॉस, कि इसके अंदर लाइट ट्रेवल होती है ग्लास। अब आप बताओ, लाइट की स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, टक खत्म। भाई एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होती है स्पीड। तो इससे फायदा क्या, आपका बैंडविड्थ बढ़ गया और तार हल्का बहुत हो गया। अब लाइट को कहाँ से कोरोजन का डर होगा, बारिश आ गई, कोई डर नहीं है कोरोजन का, मगर जब कॉपर है तो कॉपर में ही दिक्कत हो सकती है कि यार
आपका जो वायर है वो खराब हो जाएगा ड्यू टू कोरोजन, मगर इसमें कोई कोरोजन का इशू नहीं है। स्पीड बहुत बढ़ गई, आपकी बैंडविड्थ बहुत बढ़ गई, मगर इसमें एक इशू है कि आप इस वायर को एकदम स्टीप नहीं मोड़ सकते। तो बस वो ध्यान रखना है कि स्टीप मत मोड़ो, बाकी जो है आपका मीडियम फास्ट बहुत हो गया और लाइट वेट बहुत हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडियम की, बहुत आसान सा भाषा। और अभी तक अपन समरी करें तो अपन सिर्फ ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीके का हो सकता है, नंबर वन गाइडेड, नंबर सेकंड अनगाइडेड। गाइडेड को अपन बाउंडेड बोल सकते हैं, इसको अनबाउंडेड बोल सकते हैं, वायर्ड बोल सकते हैं, वायरलेस बोल सकते हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें आने वाली है, नंबर वन आपके कोएक्सियल केबल आने वाली है, नंबर टू आपके फाइबर ऑप्टिक आने वाली है, नंबर थ्री आपके आने वाले ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर दो चीज़ें हो सकता है, एक तो शील्ड हो सकता है, एक अनशील्ड हो सकता है। उसके बाद अपन अनगाइडेड की बात करें तो अनगाइडेड फिर तीन तरीके हो सकता है, रेडियो, माइक्रो एंड आपका इंफ्रारेड, ये तीन तरीके का हो सकता है। अपन बात करते हैं वायरलेस की, वायरलेस माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में क्या होता है ना कि एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, जैसे अपने घर में टीवी लगती है ना, तो छतरी लगाने वाले जो आते हैं, अपने डिश लगाने वाले जो आते हैं, वो टू 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 करके मैच करते हैं। वो मैच क्यों कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जो माइक्रोवेव होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, माइक्रोवेव जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो जब तक वो परफेक्टली अलाइन नहीं है ना, ये यहाँ से परफेक्टली जब तक ये अलाइन नहीं है तब तक वो सही से रेंज कैच नहीं कर पाएगा। तो बस ये करते हैं कि उसको परफेक्टली अलाइन कर देते हैं ताकि आपका जो माइक्रोवेव है वो कैच कर सके, आपका जो डिश है वो अच्छे से उस माइक्रोवेव रेंज को कैच कर सके। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसका टीवी वही के जो अपने घर में लगता है, और ये आप देखो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है इसका बीम, और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना आपका एंटीना का हाइट होगा उसका जो जितना आपका एंटीना का हाइट होगा माइक्रोवेव का जो लेंथ होगा वो उतना ही ज़्यादा जो है डिस्टेंस कवर करने वाला उतना ही ज़्यादा होगा। माइक्रोवेव की रेंज कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। बात करते हैं इंफ्रारेड की, यार अपन दिन भर इसको यूज़ करते हैं, जब भी अपन बचपन में टीवी देखते थे, आजकल भी देखते हैं, तो आजकल तो ब्लूटूथ रिमोट आने लगे, मगर पहले वो अपन जब बराबर 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 करके देखते थे तो वो उसमें क्या लग रहा है आपका इंफ्रारेड लग रहा है। इंफ्रारेड की एक दिक्कत होती है कि ये आपकी दीवारें वगैरह या ऑब्जेक्ट्स को गो थ्रू नहीं कर सकता, ये इसका एक इशू है, मगर इसी चीज़ को यूज़ कर लिया गया इन टर्म्स ऑफ टीवी एंड अदर रिमोट्स वगैरह। और ये भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, ऐसा लिखा हुआ नहीं मगर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ये। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400,000 हर्ट्ज़, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स का ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो मान लो कि मसूरिया ट्रैवल जो अपने जोधपुर में है उसमें से रेडियो की वेव्स निकल रही है, और आपका रेडियो तो कमरे के अंदर कहीं पड़ा है फिर भी चल रहा है बराबर, तो इससे ये बात समझ में आती है कि उसकी रेंज सीधी ट्रैवल करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी रेंज कैसे भी ट्रैवल कर सकती है, कैच कर सकती है, और दीवारों को गो थ्रू आराम से कर सकती है। उसकी रेंज कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1 गीगाहर्ट्ज़ की, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपन ने बात करी गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। थैंक यू।